सागर जिले के ग्राम मेहर में बोरवेल का पानी पीने से 70 लोग बीमार हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं कलेक्टर ने गांव का दौरा करने के साथ ही बीमार लोगों से मुलाकात कर उचित इलाज के लिए दिशा निर्देश दिए। सागर जिले की मेहर ग्राम में बोर के दूषित पानी पीने से 70 लोग बीमार हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी लगते ही कलेक्टर दीपक आर्य को आला अधिकारियों के साथ पहुंचे मेहर गांव, जहां उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात की, साथ ही उक्त बोरवेल को बंद करने का आदेश दिया। वहीं बीमार लोगों से मुलाकात कर डॉक्टरों को समुचित इलाज के लिए निर्देशित किया। सर, मेहर गांव में उल्टी दस्त की शिकायत से कई मरीज भर्ती हुए हैं, सर क्या मामला है? देखिए, संभावित तौर पर ये लग रहा है पहले कि एक बोरिंग है, जिससे कि ये लोग बहुत पहले से पानी पीते हुए आ रहे हैं, उसी बोरिंग में पानी में शायद कुछ इन्फेक्शन, उस बोरिंग में कुछ संक्रमण, कुछ कारण जिसमें हुआ है, जो भी कारण हुआ, जिसके कारण की जाँच की जा रही है, अभी इनके सैंपल लिए गए हैं, उस कारण से लोग बीमार हुए हैं। और अभी मैं गांव भी घूम देख करके आ रहा हूं, गांव में भी मैंने देखा कि वो जो बोरिंग है उसी के आसपास वाले लोग जो हैं वो सारे के सारे बीमार हैं। तो अभी जाकर तत्काल गांव में वो बोरिंग बंद करवा दी गई है और पानी के दूसरे स्रोत जो हैं उनकी व्यवस्था की जा रही है। जो गाँव के अन्य कुएँ हैं या दूसरे बोरिंग हैं, उनसे पानी प्रदाय किया जाएगा और क्लोरिनेशन की व्यवस्था भी पूरे गाँव में की गई है। पूरे गाँव में अन्य जो सैनिटाइज करने के लिए अन्य जो सामग्रियाँ हैं वो भी पहुँचा दी गई हैं। गांव में टेम्प्रेरी अस्पताल भी बनाया गया है, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं। लगातार अभी जांच चल रही है, जो बच्चे बीमार हो के या जो एडल्ट बीमार हो के आ रहे हैं उनकी जांच भी चल रही है। दूसरा, प्रिवेंटिवली भी जाकर घर घर जाकर के हमारी जो टीम है स्वास्थ्य विभाग की, वो जांच कर रही है और प्रिवेंटिव मेडिसिन भी उनको दी जा रही है। सर, कितने लोग की मौत है और कितने घायल हैं? अभी तक जो है लगभग 60 के आसपास लोग हैं जो कि मेडिकल कॉलेज में और जिला अस्पताल में भर्ती हुए हैं। कुछ लोग भाग्योदय में भी भर्ती हैं। सभी लोग स्टेबल हैं। अभी सुनने में आया है कि एक व्यक्ति की मौत जरूर हुई है, उसका मृत्यु का कारण लेकिन अभी पता नहीं है, संभावित तो उस कारण पे भी जांच की जाए। सर, पानी की क्या व्यवस्था है फिर उसके बाद? सर, पानी के जो अल्टरनेटिव सोर्स हैं गांव में, अन्य जो बोरिंग हैं गांव की वो भी, और कुएँ, पानी जो कुएँ हैं गाँव के जिनसे बीच में पानी प्रदाय किया जा रहा था, और अन्य लोग जिनसे पानी पी रहे हैं उनको पानी वहाँ से प्रदाय किया जा रहा है। टैंकरों की व्यवस्था भी गाँव में करने के लिए बोल दिया गया है, अन्य ग्राम पंचायत से टैंकर भी वहाँ पर भेजे जा रहे हैं, जिससे कि समस्या ना आए। सर, देखने में आता है कि ग्रामीण